नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में। इस वक्त रीवा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां रीवा के सिरमौर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत पडरी के प्राथमिक पाठशाला विद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों को ध्वजारोहण के बाद खाना खिलाया गया, जिसमें सभी बच्चों को पूरी और सब्जी और लड्डू खिलाया गया। भोजन करने के बाद 30 से अधिक बच्चों को अचानक उल्टी और घबराहट होने लगी। इनमें से 5 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मैम, जो आज पटरी में जो फूड पॉइजनिंग का हुआ था, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी जांच की गई है, उसके सैंपल भी लिए गए हैं और फूड विभाग को जो खाद्य विभाग है जो इसकी जांच कर रहे हैं, सैंपल अभी कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही जांच में सामने आएगा कि किस वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है बच्चों को, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जो स्व सहायता समूह है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी तो किसी प्रकार की कोई FIR दर्ज तो की नहीं गई मैम? ऊपर का लीजो सर, आज जो फूड वाइडिंग का मामला हुआ था, उसमें कितने बच्चे मतलब हालत खराब है, कितने रेफर किए गए हैं? यही पडरी के पास एक स्कूल है, उसमें करीब 58 बच्चे जो ये खाना मिलता है, सब्जी पूड़ी और लड्डू, खाने के बाद लगभग 12 बजे के आसपास उल्टी स्टार्ट हो गई थी उनको। अब पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग का केस था। 58 बच्चे एडमिट किए गए हैं, जिसमें से लगभग 30 बच्चे ऐसे थे जिनको थोड़ा सा दिक्कत थी, ज़्यादा उल्टी बंदी हो रही थी। सबका ट्रीटमेंट किया जा चुका है। एक बच्ची थोड़ी सी लग रही थी सीरियस, उसको भेज दिया गया है संजय गांधी हॉस्पिटल के लिए, और 6 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे इनको। 6 बजे तक में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जिसकी जैसी कंडीशन है। बता दें, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों को विशेष भोजन में पूरी सब्जी और लड्डू दिए गए थे। बच्चों ने पूरी सब्जी और लड्डू खाए, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद हड़कंप मच गया और सभी बच्चों को सिविल अस्पताल सिरमौर लाया गया। प्रशासन द्वारा मिड डे मील में बने खाने को सैंपल के लिए भेज दिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है और जो दोषी होगा प्रशासन द्वारा उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। इस घटना से साफ है कि स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रशासन को इस मामले की गंभीरता से जांच कर उचित कार्यवाही करनी चाहिए। रीवा से हमारे रिपोर्टर आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।